को योद्धा ही कर सकता था, ऐसा वैसा नहीं कर सकता था। लेकिन वह द्रौपदी आई, जुबान कैची की तरह चलती है, ये तो पता है मुझे, बड़े छोटे का अदब कायदा नहीं है, ये भी पक्का पता है, रिश्ते में मैं देवर लगता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी उम्र द्रौपदी से ज्यादा है। अच्छा, मैंने लिहाज करके मैंने बातों के बातों में कही कि तू मेरे साथ चल। हाँ, मुझे भी उल्टा सीधा बोली। अच्छा, मेरी भी बेइज्जती कर दी है। इसका भी सबक सिखाया जाए। रस्ते में माँ गणधारी के सामने झूठे आंसू निकाल के रोने लगी। हाँ, माँ गणधारी भड़ोली। अच्छा, गणधारी माता ने मेरे को कसम धर्म दी। हाँ, लेकिन भाई मैंने अपनी माँ की कसम नहीं मानी, मैंने तेरा आदेश माना। वो तो और बाल पकड़ के, हाँ, जानवरों की तरह घसीट के, क्या द्रौपदी कहने को भरी सभा में लाके मैंने खड़ी कर दिया। भाई हो तो ऐसा खड़ी है, इसका हाथ थोड़ा रिपटना सा है, यहाँ खड़ी है, खड़ी है, झूठ बोल रहा है, बाल पकड़ के, आवाज तो आ रही है, चोटी पकड़ के, आवाज तो खींच लेके खींचेगा भाई, चोटी ना लग, पकड़ ली, उठ जा अंसारी। हाँ, ये आ गई, यही खड़ी है, मेरी बेइज्जती का बदला। भाई मैं तो अंधा हूँ, दोनों ले लो, मैं फिर बाद में आंख भी बनवाई इंद्रप्रस्थ से आके। हाँ, लेकिन फिर भी आंख ठीक नहीं बनी, मेरा हाथ लगा इसके, खड़ी लगा ले हाथ, आँख ठीक तरह बनवा, हाँ लग तो गया, खड़ी तो है, ठीक है, देख ले, धोखे थे हाथ, द्रौपदी पांचाली जेठ जी, आज तो जेठ में जी लग रहा है, अगर उस दिन केवल जेठ ही कहती और जी भी कुछ नहीं लगाती तब भी काम चल जाता, शायद आज यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तो जेठ जैसे शक्कर में घी घेर दिया, वो इतना मजा आ रहा जेठ जी, तो जेठ जी, हाँ, पहले मेरे तीन प्रश्नों के उत्तर दे दो। वैसे तो तेरे, हाँ, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम बाध्य नहीं है, क्योंकि हमने तू जुए में जीत ली, क्योंकि तू राम राम श्याम श्याम तक तो कुछ करना ना, ना उसकी जरूरत नहीं, राम राम श्याम श्याम मेरे से ही होगी। अच्छा, मैं इस सभा का राजा हूँ इस समय पर। अच्छा भाई दुर्योधन, राम राम मत करो, अब सुधर नाच दिखा दे इसका द्रौपदी। हाँ ये बात देख ले तू भी, ये धृतराष्ट्र राजा की सभा है और मैं राजकुमार हूँ, यहाँ मेरी चलेगी जो भी कुछ चलेगी। तो जेठ जी, हाँ, पहले मेरे तीन प्रश्न का उत्तर दे दो। चल बता। पहला प्रश्न मेरा ये है, हाँ, कि आखिर मुझे इन मर्दों की सभा में क्यों बुलवाया गया है? तेरे पतियों ने जुआ खेला, जुए में तीन दांव चले गए, तीनों हमने जीत लिए, तुझे भी जीत लिया। और बोल। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये है, हाँ, कि पहले मेरे पति धर्म युधिष्ठिर हारे या उन्होंने मुझे दांव पर लगाया था? पहले तो वो अपने आप को हारे थे, बाद में तुझे दांव पर लगाया। और पूछ। तो तीसरा प्रश्न मेरा ये है, हाँ, कि जब मेरे पति धर्म युधिष्ठिर जुए को हार चुके थे, हाँ, तो उन्हें मुझे दांव पर रखने का क्या हक था? क्या हारने के बाद में तू उनकी पत्नी नहीं रही, वो तेरे पति नहीं रहे, या तेरे पर हक नहीं रहा? रहा तभी तो दांव पर रखा तुझे। और अगर नहीं मानती है हक, तो जैसे राजा की बहू ऑटोमेटिक रानी, और हौलदार की बहू ऑटोमेटिक हौलदारनी, वह कोई फौज में थोड़ी जा है, ठीक बात, मास्टर की बहू ऑटोमेटिक मास्टर नहीं, गुरुजी डाकिया की बहू डाकन, ना 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 नूनी, तो ऐसे ही वे हमारे दास हैं, दास यानी के गुलाम, तो दास की बहू ऑटोमेटिक क्या बन गई? दासी, खोल दे घूंघट दासी, और यहाँ नाच करके दिखा, तू दासी है, इंद्रप्रस्थ की महारानी नहीं रही, नाच मेरी बुलबुल। तो जेठ जी, ले उतार दिया घूंघट, हाँ, और अब कर ले तो हाथ, इसीलिए तो बुलाई है, आ जा तू, आ जा, नखरा झाड़ना है तेरा आज, राम नखरा तो आज देखेंगे कौन किसका झड़ेगा। अच्छा सुन, हाँ, तो कहते तो सभा में, सभा में, सभा में, हाँ, नाच दिखा दे पांचाली रे द्रौपदी तेरा नखरा बना रे कमाल, रे द्रौपदी तेरा नखरा ख्याल जेठ तन नाई जति का ख्याल, ओ बहू
तो बात क्योंकि आज बड़े और छोटे का कायदा
भी भूल गया। अच्छा। तेरी बड़ी भाभी लगती हूँ। कायदा उसका किया जाता है जो औरों का कायदा करता है। जो हमने किसका बेकायदा कर दिया? याद कर तुमने अपने ताशरे को ये कहा कि अंधे, मुझे कहा कि अंधे कंधे होते। अरे वो तो हमने हंसी ठट्टा किया था। अच्छा। और सावन के महीने में, फागन के महीने में सभी हंसी ठट्टा कर लिया करे। अच्छा, कोई भी नहीं बुरा मानता, बुझ ले तो पोह माह में हम कर लेंगे हंसी ठट्टा। हम हमारे ना जेठ भी करे करते कर सके। बजवाई जा पर बजवाले आ तू कितनी नागन की ट्यून बजवाले। अच्छा, बजा ले। और जेठ जी तू भी बजवा ले। अच्छा, पर आज बात की बात है, आज बात की बात है, नहीं ना चून, नहीं ना चून, नहीं ना चून, आज नाचेगी नाचेगी नाचेगी। नाचे चे मत नाचे। अच्छा। ये पांच चार बुड्ढेन के जाटे जाटे कट जाएंगे, दो ढूंगे मंजू शर्मा के लगवा दो तुम, देखी जाएगी। अच्छा, हाँ लव ले रहा मेरे भी कट जाएंगे। अच्छा, तो तू बता, पर आज बात की बात है, मेरी नीची हो जाएगी यदि मैं जेठ जी के सामने नाच दूंगी। आज इसकी योजित है कि मैं नचा के छोड़ दूंगा, और मेरी योजित है कि नहीं नाचू, नहीं नाचू। अच्छा, और यदि तू हाथ सा हला दे तो देख ले। देख देख किसकी हार और किसकी जीत होगी। एक तरफ मर्द है और एक तरफ है नार, और देखेंगे आज किसकी जीत है और किसकी होगी हार। अब देख तेरी होगी, देखेंगे। ऐसे ये मैं खुट्टे के बांध रखे पांचों। तो जेठ जी, हाँ तने छल से खुट्टे में बांध रखे, छल से इनके हथियार ले रखे हैं। हाँ, आज एक बार तू इनके हथियार लौटा दे। अच्छा। ना तेरा काल आज यही बुला दे तो। अच्छा, हाँ लेकिन क्यों लौटा दूं? समझ के रहा है क्यों लौटा दूं?
दुश्मन अगर बल से ना मारा जा सके तो छल से मारने में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक कह रहा हूं तो ताली बजा के मोती हो रहा मोती।
स्टील की है। बिल्कुल ओरा स्टील की तो कमजोर रहे, लोहे की लगवा लोहे की, लोहे लोहा तो कुछ भी ना, आंच दिखाते ही मर जाएगा। और नहीं तो या नाच के अभी दिखा दे ना बाई जान पे आ जा, या नाच के अभी दिखा दे ना बाई जान पे आ जा। वो तू कौन नचाने या लारा, तू कौन नचाने लाला, हो लगा जुबा पे ताला, तू कौन नचाने लाला, हो लगा जुबा पे ताला। अब कोई नहीं आवेगा तेरी मदद भी करने वाला, आज कोई नहीं आवेगा तेरी मदद भी करने वाला। अरे उस नीले छतरी वाले का ध्यान कर ले, वो सबका ध्यान करे से। उसकी बात कवालिया की कह रही होगी, उसके ऊपर कूद है तू। अरे आज हम उससे भी नहीं डरते। अच्छा बिल्कुल, मेरी सुद लेंगे वो नंदलाल, मेरी सुद लेंगे वो नंदलाल, वो नहीं है सारे जगत के वाले। राम रतन राम रतन कर देना बेहाल, राम रतन तज